हेलो एवरीवन, आई एम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल कमांड और मिरर कमांड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्किल कमांड के बारे में डिस्कस किया था, उससे लास्ट वाले में हम लोगों ने लाइन एंड पॉलीलाइन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए, जिससे आपको सीरीज में क्लियर होता रहे। ये हमारी ऑटोकैड की थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं और किस तरह से हम लोग मिरर कमांड का यूज करते हैं। ये दोनों कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो देखिए, आपको जो रेक्टेंगल कमांड है इसकी शॉर्ट की है REC। क्या है REC? जस्ट यहाँ से आप डायरेक्ट कमांड ले सकते हो। कमांड लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करके देख रहे हैं आपका माउस इधर की ओर जा रहा है, तो पहले आप फर्स्ट डिस्टेंस डालिए। क्या डालिए? फर्स्ट डिस्टेंस। अब फर्स्ट डिस्टेंस इन द सेंस की एस डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने बोला फर्स्ट डिस्टेंस मेरा कितना है 200, ठीक है। अब इंटर नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, टैब बटन यूज करना है। टैब बटन लीजिए, उसके बाद वाई डिस्टेंस डालिए, ठीक है। अब वाई में मान लीजिए आपको रखना है कितना, 100। ये देखिए, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज 100 एंड दिस इज 200। समझ आया क्या? फिर से देखिए, आप रेक्टेंगल कमांड लिया। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए, फिर एक्स एक्सिस में अपना डिस्टेंस डालिए जो भी आपको लिखना हो, फिर टैब बटन यूज करके वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस डाला हो इस तरह से। इसके बाद हम लोग की दूसरी कमांड है, वो है यहाँ पे मिरर कमांड। मिरर कमांड का बड़ा ही यूज है। जैसे कि सपोज आपके पास ये लाइन है, ऑर्थो ऑन कर लीजिए। ऑर्थो का शॉर्ट की F8 बताया मैंने। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया। तो आप चाहते हो कि ऐसा एक सर्किल यहाँ पर भी बन के दिखे, तो अब आपको बार बार दोबारा चीजों को बनाना नहीं, हाफ बनाइए, हाफ को मिरर कर दीजिए। जस्ट इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिरर कमांड होती है, या MI शॉर्ट की इसकी MI लिख के एंटर करिए। और जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम दूसरा क्लिक करेंगे और तुरंत दिखेगा। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जब इसको मैं एक मिनट डिटेल करता हूँ, जब मैं इसको मिरर कर रहा था, ऐसे मिड पॉइंट लेके मिरर कमांड लेना है, फिर उसके बाद मिड पॉइंट पर क्लिक करना है। कहाँ पे? मिड पॉइंट पर क्लिक करना है जिसके दूसरी तरफ करा रहा है। ऐसे किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस पर यस किया तो देखिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट गायब हो गया। और अगर आपने इस पर नो किया तो पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं भी दीजिए। और अगर आपने नो किया तो देखिए ये भी है और ये भी है। समझ आया? अब ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर कराना, सेलेक्ट मिरर कमांड और यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक करके दूसरा पॉइंट देखिए। समझ आया? इसके बाद ऐसा ही पॉइंट मुझे नीचे की ओर मिरर कराना, तब थोड़ा सा चेंज होगा। नीचे की ओर मिरर कराना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, फिर अब नीचे नहीं कर सकते, अब इधर की ओर क्लिक करना पड़ेगा या इधर की ओर क्लिक करिए। इन डायरेक्शन में करेंगे तब नीचे की ओर आएगा। समझ आ गया? इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल कमांड और मिरर कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक छोटी ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ रेक्टेंगल कमांड से। और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद 120 by 120 हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में 120 by 120 का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ से 15 जाना है, तो हमने जस्ट 15 चल दिया से, और फिर इधर की ओर भी गया हम लोग 15। यस, हमें एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे हम एक सर्किल बनाएंगे। सपोज हमने सर्किल बना दिया 7 रेडियस का, कितने का, 7 रेडियस का। जस्ट 7 करके क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इनको किसका काम नहीं है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मुझे ऐसा ही एक सर्किल यहाँ पे बनाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से मिरर कमांड लीजिए, मिड पॉइंट पे इसको क्लिक करिए और क्लिक करके इस पर क्लिक करिए। ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज मैं मतलब अपने से माइंड से जनरेट कर रहा हूँ। तो आप इसको करोगे तो आपको मिरर कमांड क्लियर हो जाएगा और रेक्टेंगल कमांड भी क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इधर की ओर मिरर कराना है, तो मिरर कमांड लीजिए। और मिरर कमांड लेने के बाद यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक करिए, दूसरा पॉइंट लीजिए और एंटर कर दीजिए। इस तरह से हमने देखा कि मिरर कमांड से हमने एक सर्किल बनाया और चार सर्किल हमारे इजली बन गए, ठीक। समझ में आया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग एरे कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
तो एरे कमांड के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो वीडियो आपका कल आएगा। तो आप देखते देखिए देखिए इसको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि आपको लाइक मैं डेली एक वीडियोस दे रहा हूँ। और ओनली ऑटोकैड पे नहीं, हम लोग ई टैब्स और स्टैट प्रो और 3ds Max पे भी वीडियो तैयार कर रहे हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है लाइक सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास या और भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करिए, कुछ कमांड नहीं समझ आ रहा तो भी पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।